हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। आज थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी मेरी ढीली है और तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मैं चेहरे से भी समझ में आ रहा होगा डर, मतलब थोड़ा सा मुरझाया हुआ कुछ ऐसा ही फील हो रहा है मुझे। एंड डक्स खेल रहे हैं, सो के उठ गया है मेरा बच्चा और आद्या भी उठ गई है। और ये देखो, आद्या ने कल करा था कलर, तो वो मुझे दिखा रही है। मैंने कल दिखाया था आप लोगों को, लेकिन फिर भी ये कलर किया है उसने। प्रिंटर से जो प्रिंट ये निकला हुआ है वो थोड़ा सा ख़राब निकल आया था। याद है, अच्छा याद है। हाँ, कह रहा मुझे दे दो। और ये रहा मेरा बेटा दक्ष, ये देखो, ये इसे ओढ़ के करता है ता, ये आद्या। हेलो। और ये कर रहा है ता, दक्ष ता, मम्मा से ता, ऐसे ओढ़ लेगा और फिर करेगा मम्मा ता। और पंखा बंद कर रखा है क्योंकि आप लोगों तक अच्छे से आवाज जाए मेरी। और कैसे हो बताना मुझे। आज दिन है मंगलवार और मेरे हस्बैंड स्कूल गए हैं। आज मैंने सुबह उनके टिफिन के लिए कोफ्ते बनाए थे। अच्छा, कोफ्ते जब सुबह बनाते हैं, मसाला वगैरह पीसना पड़ता है, तो सोचते हैं कि अदरक सो रहा है तो फिर नहीं बनाएंगे क्योंकि मशीन चलेगी ना तो वो जग जाएगा। लेकिन आज ये साथ ही साथ उठ गया है, फिर आज बहुत परेशान कर रहा था मुझे, कुछ भी करने नहीं दे रहा था, रोए जा रहा था। तो जब मेरे हस्बैंड ने इसको लिया, उसके बाद मैंने तब काम किया। फिर जब मैं काम कर फ्री हुई, मैंने लिया, तब वो नहा कर तैयार हुए, फिर वो मैंने उनका टिफिन लगाया, फिर उसको चले गए। खिलौना चाहिए, निकाल लो उसे अभी अभी, अब मैं दे रही हूँ। ठीक है, तो उनके जाने के बाद फिर मैंने अपना फेवरेट नाटक अनुपमा देखा, जो मैं बहुत पसंद करती हूँ वो देखा। आप लोग भी बहुत देखते होंगे, पता है मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि ज़्यादातर मतलब 90% लोगों को अनुपमा जो सीरियल है पसंद आता है। सो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बस वही एक अकेला देखती हूँ मैं। और उसके बाद आद्या और दक्ष, आद्या सो ही रही थी पहले से, फिर थोड़ी देर बाद दक्ष भी सो गया था। दोनों बच्चे हमारे सो रहे थे, सो के अभी उठे हैं। और मैं अभी टाइम बताऊँ तो 10:30 बज चुका है, ये दोनों अभी उठे हैं और दोनों खेलने लगे उठते ही। मैंने सिर्फ ब्लैंकेट है वो समेट के रखा है और ये चद्दर के साथ खेल रहे हैं दोनों लोग। तो ये ऐसा अंकल, पता है रात को मैंने करीबन 11:30 बजे मैंने ये कपड़े प्रेस किए थे, ये वाले सारे मेरे वाले प्रेस हो गए हैं। ऐसे धीरे धीरे करके मैं सारे कपड़े प्रेस कर लूँगी। और घर जाने के लिए बैग भी लगाना है, तो आज तो नहीं लगाऊंगी मैं, कल या परसों में तैयारी शुरू करूँगी बैग सामान निकालना, क्योंकि हम लोगों को जाना है और सामान भी कम ही लेकर जाना है, क्योंकि ज़्यादा सामान नहीं भर के ले जा सकते हैं। खासकर दक्ष के कपड़े ले जाएंगे और मेरी जो साड़ी है वो वहाँ पर है ही, मैं वही पहन लूँगी या फिर एक दो रख भी लूँगी। और आद्या और दक्ष के कपड़े रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों पीट रही बाबू उसको? पीटना नहीं, भाई है तुम्हारा, वो कौन है भाई? इसे प्यार करते हो, आपके साथ खेलता है। देखो देखो वो कैसे खेल रहा है, देखो खेल रहा है वो आपके साथ, देखो खेलता है वो आपके साथ। जैसा आप करोगे वैसे करेगा, करोगे? वो देख रहा है आपके हाथ में क्या है, वो भी करेगा सेम वैसे ही करेगा जैसा आद्या करेगी। ये देखो आप खोल करेगा दांत से खोलता है, दांत से नहीं खोलते बाबू, दीदी की लग जाएगी। देखो है, ये है इन दोनों लोगों के खेल और बहुत अच्छे से दोनों लोग खेलते हैं। देर बाद मैं टीवी में गाने लगा के गई थी, उसके बाद गाना खत्म होने के बाद आद्या ने कार्टून लगा लिया था और दोनों बच्चे देख लो किस तरीके से, मैं दक्ष को नीचे उतार देती हूँ क्योंकि ऊपर ना मैं देखूँ नहीं तो बेड से गिरने का डर रहता है, इसलिए दोनों बच्चे देखो चटाई बिछा कर, आद्या ने चटाई इस तरीके की बिछाई है और किस तरीके से देख रहे हैं टीवी बड़े आराम से। मैंने बना लिया ये अपने लिए खाना, ये देखिए रोटी, ये सब्जी सुबह बनाई थी, कोफ्ता और गुजिया मम्मी ने जो दी थी मुझे वो। तो बस अपना लंच कर लेते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। और मेरी लिपस्टिक देखो कैसे छूट के कहाँ लगी है, ये देखो, और गर्मी होने लगी है बहुत। अभी मैं टाइम बताऊँ तो पता है 2 बजे जा रहा है, 2 बजे मैं खाना खा रही हूँ। कब वीडियो स्टार्ट किया था, आप लोगों से बात की थी,
और अब खाना खाने जा रही हूँ। दक्ष को तैयार किया, दक्ष को खिलाया पिलाया, दक्ष बाहर खेल रहा है, हल धूप तो है बाहर लेकिन छाँव छाँव में खेल रहा है, मतलब छत से धूप जा चुकी है। सुबह टाइम छत पे बहुत धूप आती है और धीरे धीरे कम होती रहती है, तो छत पे टहल सकते हैं, तो वो बाहर वॉकर पे खेल रहा है, आधा भी देख रही है। सो अब मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। खाना खाने के बाद मुझे कुछ सूट करने थे अपने रिव्यू वीडियो मीशो हॉल। सो ये मीशो हॉल आप लोग देख चुके होंगे कुर्ती का, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्तियां हैं, मुझे बहुत ही पसंद आई हैं और बहुत ही कम रेट में है। सो एक बार ज़रूर देखना आप लोग मीशो हॉल मेरा, और काफ़ी अच्छे अच्छे एंड रिजनेबल प्राइस में मैंने कुछ कुर्ते सूट विथ प्लाजो एंड विथ दुपट्टा मैंने चूज किए हैं, पसंद किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएंगे। तो यहाँ पर ये सब रिव्यू करने के बाद मुझे काफ़ी देर हो गई थी, सो मैं सीधे डिनर बनाने के लिए आ गई हूँ, और डिनर में आज आलू के पराठे बना रही हूँ। पिछले जिस व्लॉग में मैं आलू के पराठे दिखाती हूँ बनाते हुए नहीं सिर्फ खाते हुए, तो काफ़ी कमेंट आते हैं, दीदी क्या क्या डालती हैं आप इसमें, मेरे साथ इसका पूरी रेसिपी शेयर कीजिए। तो आज मैं बताती हूँ, मैं आलू के मसाले में डालती हूँ थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ी सी चुटकी भर हींग, सौंफ, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, नमक और हरी मिर्ची और हरा धनिया, आप हरी मिर्ची स्किप भी कर सकते हैं। देन बस मसाला मिला लेंगे, तैयार हो जाएगा हमारा मसाला। उसके बाद बस छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ेंगे और बीच में इस तरीके से बना लेंगे गोला, और उसमें स्टफ कर देंगे और फिर गर्मा गर्म पराठे सेकेंगे और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इस मसाले को कढ़ाई में सरसों के तेल में थोड़ा सा ज़ीरा डालकर तड़का के फ्राई करके भी बना सकते हैं, बट उसमें ये क्या होगा कि आपको वो मसाला फिर ठंडा करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप फिल कर सकते हैं। एंड मैं जब भी पराठे बनाती हूँ तो मेरा पराठा फूल जाता है, रेयर ही होता है कोई पराठा जो ना फूले, अदरवाइज मेरे सारे आलू के पराठे गुब्बारे की जैसे फूल जाते हैं। एंड मैं इनको दबा दबा कर करारा सेकती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को करारे से पराठे बहुत पसंद हैं। सो इस तरीके से मैं बनाती हूँ इस पराठे। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ, मैंने खाना खा लिया है, एंड खाना वगैरह खाने के बाद अभी मैं मेरी एक बहुत ही बड़ी ट्रॉली बैग है वो आई है, बड़ी वाला साइज, जो मुझे बहुत पहले से बहुत दिनों से इंतज़ार था। मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी, देन आज उन्होंने मुझे, मैं ससुराल जाने वाली हूँ उससे जाने से पहले ये ट्रॉली बैग मुझे दे दिया है एज ए गिफ्ट, एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है मुझे, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी मैं इसको खोल के दिखाऊंगी, इसके बारे में बताऊंगी, एंड मुझे ये सच में बहुत अच्छी लगी बहुत ज़्यादा। तो चलिए आपको दिखाते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इतनी बड़ी है अटैची, ये आज ही आई है और हम लोग घर जाने वाले हैं इसलिए आई है, तो इसमें हो सकता है हम लोग इसी में कपड़े भर के लेकर जाएं, और अगर इसमें नहीं ले जाएंगे तो कहीं किसी और में ले जाएंगे दूसरे ट्रॉली बैग में, क्योंकि थोड़े ही कपड़े ले जाने हैं और ये काफ़ी बड़ी है, बहुत बड़ी है, फुल साइज़ वाला ये लिया है। सफारी की है, कलर इसका स्काई ब्लू है, थोड़ा डार्क भी है, ज़्यादा लाइट नहीं है, ठीक है। हाँ, इसको मैं ओपन कर रही हूँ और मेरा बहुत दिनों से मन था कि मैं इतनी बड़ी ट्रॉली बैग लूँ, ये ट्रॉली लूँ इतनी बड़ी, क्योंकि मैं चाहती थी कि हम सब के कपड़े एक में आ जाए और हम लोग कहीं जाए तो पूरा एक ट्रॉली लेकर जाए। ओह वाओ, कितनी बड़ी है ना। तो ये है, काफ़ी अच्छी है, इसमें काफ़ी कपड़े हैं वो आ जाएंगे। और यहाँ अगर नहीं नहीं खोलना है, बोलो 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 बोलो, मान लो दो मिनट। तो ये देखिए, इस तरफ बहुत सारे कपड़े आ जाएंगे, बंद कर दो, एंड इस तरफ तो आ ही जाएंगे। सो बहुत सारे कपड़े आ जाएंगे इसमें, और काफ़ी बड़ी है, और मेरा इतनी बड़ी ट्रॉली बैग लेने का बहुत मन था, तो मेरी ट्रॉली बैग आ गई है और बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी। सो यही है वो चीज़ जो मेरे घर में आई है नई नई, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है ना। और आज मैंने ना एक, अभी थोड़ी देर पहले मतलब शाम के टाइम पे मैंने एक रिव्यू वीडियो शूट किया था, तो थोड़ा सा रेडी हुई थी जिसकी वजह से मेरे आँख में काजल है जो कुछ ज़्यादा दिख रहा है। मैंने धूप तो लिया, फेस वॉश कर लिया अच्छे से, लेकिन ये काजल है वो छूटा नहीं है, सो नजर आ रहा है बहुत, बैठते नहीं है थोड़ी देर, अच्छा लगेगा।
वो देखो कपड़े फैला रहा है भाई आपको, हाँ देखो देखो सारे कपड़े निकाल रहा है, अभी तो लगाए थे कपड़े, अभी हमने और आद्या ने मिलकर दोनों लोगों ने मिलकर अलमारी है ये ब्लू वाली सेट की थी। और देखो ये दक्ष क्या कर रहे हो, कपड़े सारे निकाल, आजा देख साफ साफ निकाल दिए उसने कपड़े, लगाओ सब इसको लेके आ जाओ गुस्सा क्यों हो रहे हो, आ रख दो सब, हाँ रखो रख दो, बस निकालना नहीं है रखना है, देखो कैसे निकालेगा, मुझे फिर से एक एक लगाने पड़ेंगे। दक्ष नहीं, ये देखो सारे कपड़े ये देखो निकालना पड़ेगा बॉक्स है, पहन के ही देखेगा क्या, दक्षू रख दो उसमें, रख दो रख दो, ये रख नहीं रहा, रख दो हमें रखना पड़ेगा, वो नहीं रखेगा, हाँ मामा रख दो, देखते कि ये साफ ही नहीं देखते क्या ये, नहीं अब जस्ट बैठते रहे, मैं इसको बंद कर दूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मैं अपने इस वीडियो को यही एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ में, और इसको मैं अच्छे से पहले ओपन करके बंद कर दूँगी चैन वगैरह, और फिर कपड़े जब लगाएंगे तो दिखाएंगे, तो हम इसको बंद करके रख दे रहे हैं एंड बहुत अच्छी है, मैं बहुत खुश हूँ और बढ़िया लग रही है, बाय बाय।